नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ऑथर कैसे बने, लेखक कैसे बने। लेखक बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। मैंने जब 16 किताबें लिखी और किताबें लिखने के बाद कुछ अनुभव मुझे समझ में आया और उसी अनुभव को इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेक करना पड़ेगा, मुझे किताब लिखनी है बस। ये आइडियाज आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर ये आइडियाज आनी चाहिए कि मुझे किताब लिखनी है। जब आपके अंदर ये आइडियाज आ जाता है कि मुझे किताब लिखनी है, और फिर देखिए फिर नेक्स्ट आता है कि मुझे किताब किस पर लिखनी है, फिर आप अपनी खुद की खोज करने लगते हैं। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है तू, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अपनी खुद की खोज कीजिए, अपने नीच को फाइंड आउट कीजिएगा, अपना माइंड सेट कीजिएगा मुझे ऑथर बनना है। दूसरा कि रोज लिखिए साहब, आपको रोज लिखना है, रोज लिखने का आदत डालना है। भले ही आप देख कर लिखे पहली बार, उसके बाद अपने मन से कुछ लिखे, उसके बाद दो लाइन लिखे, तीन लाइन लिखे, चार लाइन लिखे, लेकिन लिखिए साहब, आपका लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप लिखते हैं और फिर आपके अंदर चमत्कार होने लगता है। तीसरा, पढ़ना शुरू कीजिए साहब, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे कैसे, तो आपको पढ़ना भी है। जब एक सब्जेक्ट पे कहा जाता है, जब किसी एक सब्जेक्ट पे कोई व्यक्ति लिखता है, इसका मतलब उसने हजार किताब उसने उस सब्जेक्ट पे पढ़ा होगा। तो आपको एक सब्जेक्ट पे लिखने के लिए आपको उस पर पढ़ना भी होगा, उस विषय पर। चौथा जो नियम कहता है, बिफोर राइट फील इट, आपको लिखने के पहले आपको उसको फील करना है। जो भी आप लिखेंगे वो पैराग्राफ को आप जब फील करोगे और उसके बाद जब लिखोगे तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। तो अपने अंदर वो फीलिंग को लाना बहुत जरूरी है जिस विषय पर आप लिखने वाले हैं। देन पार्किंसन का सिद्धांत आता है कि अगर आप किसी काम को डेडलाइन नहीं देते तो काम बढ़ता जाता है। तो अपने काम को डेडलाइन दीजिएगा साहब कि मुझे किताब लिखनी है और ये किताब इतने दिन में कंप्लीट करनी है। टेक एक्शन, उसके बाद जो आता है छठवां पॉइंट आता है टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना जरूरी है साहब। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, भगवद गीता भी कहती है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप अनसक्सेस हो जाएंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते हैं साहब। सोच तो रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। और आखिर में आता है अपने काम को एंजॉय करना सीखिए। अगर आप लिख रहे ना तो लिखने को एंजॉयमेंट के साथ लिखिए साहब, और फिर देखिए मजा आता है। तो अपने काम को मजा करना सीखिएगा, ये सारे स्टेप को याद कीजिएगा। इस वीडियो को फिर से एक बार देखकर लेखक बनने के जो आपको 7 स्टेप बताए जा रहे हैं इतने कम समय के अंदर, उसको फॉलो कीजिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। धन्यवाद।